नमस्कार, बनारसी थाली में मैं सिंपी अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं ज्योड़ा मटर। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ज्योड़ा, हरा मटर, किशमिश, काजू, हल्दी पाउडर, जीरा, नमक, पिसी हुई चीनी, पिसी हुई इलायची, हरा धनिया, लहसुन, मिर्ची, अदरक का एक टुकड़ा, कटी हुई हरी मिर्च, देसी घी। हम कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं और अब हम इसमें कुकिंग ऑयल ले लेंगे। ऑयल गरम होने पे हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च, जीरा और अदरक का लच्छा डालेंगे। हल्दी पाउडर डालकर हम हरे मटर भी डाल देते हैं। हम इसे ढक देते हैं और तब तक धनिया, अदरक, लहसुन, मिर्च का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट रेडी हो चुका है। अब ये पेस्ट हम इस मटर में डाल देंगे। आधा कप के लगभग पानी भी इसमें हम डाल देते हैं। अब हम इसमें अपने टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करके ढक देते हैं। इसमें का पानी जब सूख जाए तो हम इसे खाली कर लेते हैं। अब हम चूड़ा को धो लेते हैं। इसे तुरंत ही धोना होता है क्योंकि ये काफ़ी मुलायम होने के बाद अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम तुरंत धोते हैं। और अब हम कढ़ाई में घी लेते हैं और काजू और किशमिश को तल लेते हैं। किशमिश जब फूलने लगे और हल्का ब्राउन हो जाए तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब इसी बचे हुए घी में हम चिवड़े को भून लेते हैं। इसे तब तक भूनना है जब ये एकदम भुरभुरा ना हो जाए। इसका पानी जब निकल जाएगा तो ये भुरभुरा हो जाएगा। अब हम इसमें मटर को ऐड कर लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हम इसमें काजू किशमिश भी ऐड कर लेते हैं। इलायची पाउडर और पीसी हुई चीनी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और लास्ट में हम इसमें देसी घी 1 चम्मच डालेंगे जिससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।